बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए हैं वो मैंने हाफ़ के जी बोनलेस चिकन लिया था, उसको मैंने 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल के मैंने बॉईल करके उसको मैंने श्रेड कर लिया है। ये बॉयल्ड 2 पोटैटो है मेरे पास, ये हाफ कप चॉप धनिया है, ये 1 कप चॉप प्याज है, ये स्वीट कॉर्न है, ये 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स है, ये नमक है और ये हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है और ये 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली है, ये 2 टेबल स्पून केचप है और ये 1 कप ग्रेटेड चीज़ है और ये एक ब्लॉक है मेरे पास पफ पेस्ट्री का, ये मैं 500 ग्राम का ब्लॉक है। अभी मैंने एक पैन लिया है, इसमें यहाँ मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज को मैं 2-3 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, बस इसको थोड़ा सॉफ्ट करूंगी। ये प्याज थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये स्वीट कॉर्न ऐड करूंगी। अब मैं 2-3 मिनट के लिए कवर करके कुक करूंगी ताकि जो स्वीट कॉर्न है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अब 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। ये अब तकरीबन स्वीट कॉर्न जो है सॉफ्ट थोड़े हो चुके हैं। अब हम इसमें ये ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब्स और ये नमक डाल के थोड़ी देर कुक करेंगे। सॉरी, मैं इंग्रेडिएंट्स में ये चिली फ्लेक का बताना भूल गई हूँ। मैं ये हाफ टी स्पून चिली फ्लेक यूज़ करूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपने यूज़ करना है कर लें, नहीं तो फिर आप ना करें। ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह, मैं चिकन ऐड करूँगी, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब चिकन ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर, हमने इसमें अब ये केचप ऐड करूंगी। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें चीज़ ऐड करूंगी। चीज़ को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब जो दो बॉइल्ड पोटैटो थे उनको मैंने मैश कर लिया, अब ये ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके, अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब ये मिक्सचर रेडी है, इसकी मैं फ्लेम बंद करने जा रही हूँ। अब ये मैं पफ पेस्ट्री को रोल करके इसको मैं हाफ काट लूँगी और ये मैंने एक ओवन ट्रे लिया है, इसके अंदर मैंने बटर पेपर को बिछाया है और हाफ पफ पेस्ट्री इसके नीचे रखेंगे, फिर ऊपर वो मिक्सचर रखेंगे और एक ऊपर से लेयर टॉप पे रख के ऊपर से हम एग वॉश करके इसको ओवन में रखेंगे।
अब मैं ये एग वॉश करूंगी ऊपर से। ये एग वॉश हो चुका है, अब मैं इसको ओवन में रखूंगी। मैं इसको 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे ओवन में रखूंगी इसको। मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं चिकन पाई को। ये देखिए कितनी अच्छी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं।